रणतिक अर्नब से पूछेंगे कि बिहार बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, आपको क्या लगता है? बिहार गाइस बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। यहाँ के आप लोग ब्रिज देखो, जो रेल लाइन है वो देखो, रोड देखो, तब आपको लगेगा कि हाँ बिहार पहले कहाँ था अब कहाँ है। बिहार बहुत आगे जा चुका है, बिहार बिहार नहीं रहा। और आने वाले समय में जो नेवड़ा जो रेलवे स्टेशन, क्योंकि आप तो नेवड़ा में ही रहते हैं, तो क्या नेवड़ा को जंक्शन बनाया जा सकता है जब ये लाइन निकल जाएगा जो नेवड़ा देने वाला? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है, बिकॉज नेवड़ा पहले जो था एंड अब जो है वो मैं देख रहा हूँ। बिकॉज 2-3 साल से मैं फिलहाल नेवड़ा में हूँ, तो वो डेवलपमेंट मैं सामने से देखा हूँ, लाइव देखा हूँ, तो वो डेवलपमेंट गाइस बहुत ज़्यादा है। जो पहले था अब जो नेवड़ा है वो बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है, मतलब नेवड़ा भी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि अगर नेवड़ा जब रेलवे स्टेशन बन जाता है, जब ये लाइन जब बन जाएगा, तो इससे जो है हम जो है आसानी से जो है गया के तरफ या इस्लामपुर के तरफ या दरिया के तरफ जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? कितना आसान रहेगा जो हम पटना होकर के जाते हैं, काफी आसान रहेगा इससे? बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगा जो भी जिनको जल्दी है जाने की, बिकॉज पहले पटना जंक्शन जाना पड़ता था, उसके बाद आपको ट्रेन पकड़ना पड़ता था, लेकिन अब नेवड़ा से भी आप डायरेक्ट अगर आप बीटा से आ रहा तरफ से आ रहे हो तो आपके लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो देखिए कितनी अच्छी बात बोले हमारे फ्रेंड अर्नब जी ने, थोड़ा और राइडिंग बचाए, थोड़ा सा और आपको दिखा देते हैं, चलिए राइडिंग कंटिन्यू करते हैं। तो फिर से अपनी राइडिंग स्टार्ट हो चुकी है। हमारे जो अमन पांडे हैं जिनका चैनल है फ्रेंटिक अर्नब, वो देखिए कितनी अच्छी बातें बताएं बिहार के बारे में कि यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं और कितनी सुविधाएं जो है हम लोगों को मिलेगी। तो चलिए अब फिर से राइडिंग अपनी शुरू हो चुकी है और इस राइडिंग में और भी कुछ बातें करेंगे रेल प्रोजेक्ट के ऊपर में जो कि आपका बन रहा है नेवड़ा दनियावा रेल प्रोजेक्ट। और थोड़ा ये जो आप अंडर पास देख रहे हैं, थोड़ा इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर से ये जो है किस तरह का दिखता है। थोड़ा इसके अंदर थोड़ा घुसना पड़ेगा हमको, ज़रूरी है सब पास अंडर पास। और इस रास्ते से भी आप सीधे जो है बिहटा के तरफ जा सकते हैं, ये थोड़ा सा पतला रास्ता है लेकिन आप इससे भी बिहटा जा सकते हैं। और वापस से हम फिर से आ चुके हैं जो रेल प्रोजेक्ट बन रहा है उसके ऊपर। और इसमें जो है जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, लेकिन एक भैया फिर से अपडेट मांग दिए हैं, तो इसमें जो है बरभीघा से शेखपुरा के बीच में 16 किलोमीटर का जो है काम अभी तक पूरा हो चुका है और बिहार शरीफ से बरभीघा के बीच में 25 किलोमीटर का काम जो है पूरा हो चुका है और दनियावा से बिहार शरीफ के बीच में 38 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। और मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बता चुका था कि इसमें जो कितनी लागत लग रही है, तो इसमें अभी तक मुझे जितना पता है वो है 150 करोड़ की लागत से बन रहा है आपका नेवड़ा दनियावा रेल प्रोजेक्ट। और नेवड़ा दनियावा रेल का जो है लंबाई, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये कितना लंबा बनाया जा रहा है, तो 42.2 किलोमीटर तक का ये जो है बनाया जा रहा है। और इसका टेंडर आपको जो है 2016 में ही दे दिया गया था। और यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, हालाँकि आपको फ्रेंटिक अर्नब पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ से आप जो है जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप नेवड़ा जा सकते हैं, दनियावा जा सकते हैं, बिहार शरीफ जा सकते हैं, राजगीर जा सकते हैं, गया के लिए काफ़ी अच्छा ये बन जाएगा, नवादा के लिए उससे भी बेहतर बनेगा, बरबीघा जा सकते हैं, और ये जो सब सामने का रास्ता देख रहे हैं ये भी आपको ले जाएगा दानापुर सरारी गुमटी के पास में, और शेखपुरा भी जा सकते हैं, और तो और क्यूल भी आप जो है इस रूट से जो है निकल सकते हैं। जब ये लाइन जब ये बन के तैयार होगा तो इसमें जो है क्यूल और दानापुर के बीच जो मालगाड़ी चलती है उसका थोड़ा लोड जो है पटना से जो है कम हो जाएगा, क्योंकि नेवड़ा से उनको जो है डाइवर्ट करके जो है क्यूल भेज दिया जाएगा। जी हाँ, और आने वाले समय में जो हमारी जो पटना जंक्शन है वहाँ से जो है कई बार जो है माल गाड़ियों को पीछे रोक करके जो है रोकना पड़ता है, तो इस कारण से जो है काफ़ी ट्रेनें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इस रूट को बनने से ये फ़ायदा होगा कि जब ये रूट बनके तैयार हो जाएंगी तो यहाँ से जितनी भी माल गाड़ियाँ जो आरा बक्सर से आ रही हैं या वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से आ रही हैं, वो सीधे इस रूट से जो है सीधे क्यूल या बिहार शरीफ या राजगीर के लिए निकल जाएंगी। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये काम चल रहा है, और यहाँ पर अभी जो है सॉइल फिलिंग का काम
अभी जो है पूरा नहीं किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं अभी ऐसे ही मिट्टी को जो यहाँ वहाँ फैला करके रखा गया है। अभी इसे रोलिंग किया जाएगा, उसके बाद फिर जो इसके ऊपर जो ट्रैक बिठाया जाएगा। और सामने आप देख सकते हैं छड़ का एक जो है बाउंड्री टाइप का कुछ बनाया जा रहा है, वो शायद बाउंड्री है, लेकिन उसके उधर से मतलब कि इसको थोड़ा ऊपर करके इस पर जो है फिर से जो है मिट्टी को जो है भरा जाएगा। क्योंकि अभी आप आगे जाएंगे तो आपको एक जो है यहाँ पर जो है रोड दिखेगा, इसके लिए यहाँ पर जो है इसको जो है मतलब कि फ्लाई ओवर के तौर पे बनाया जा रहा है, और इसको इस उस रोड के ऊपर से जो है क्रॉस कराया जाएगा, जैसा कि मुझे अभी तक पता है। लेकिन थोड़ा आगे भी चल के आपको दिखाएंगे कि वो रोड जो है किस तरह का है। लेकिन अभी आप देखिए यहाँ का जो है रेलवे जो लाइन जो बनाया जा रहा है नेवरा तरियावा रेल प्रोजेक्ट, काफ़ी बेहतर और काफ़ी ज़बरदस्त बनाया जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है अभी अभी जो है कुछ समय पहले शायद इस मिट्टी को यहाँ पर रखा गया है, जिससे ये रास्ता थोड़ा पतला हो चुका है, लेकिन आगे से ये जो है काफ़ी बेहतर है। जी हाँ, तो नेवरा तनियावा जो रेल प्रोजेक्ट है ये बनने से क्या क्या आपको सुविधाएं होंगी सब हमने आपको बता दिया। और आप आगे देख सकते हैं आपको एक और जो है यहाँ पे जो है अंडर पास दिखाई पड़ रहा होगा, सामने आप देख सकते हैं आपको एक और जो है अंडर पास यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस जो रेलवे प्रोजेक्ट में एक जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर जो है हर 2 से 3 किलोमीटर के बाद में अंडर पास बनाया गया है, इससे यात्रियों को या यहाँ के लोगों को कह लीजिए ये सुविधा मिल जाएंगी कि उन्हें जो है ट्रैक पार ना करके वो नीचे से जो है मतलब कि उनको अगर उनका गांव अगर बगल में है तो वो जा सकते हैं। ये एक काफ़ी अच्छा चीज़ लगा मुझे रेलवे के द्वारा जो ये किया जा रहा है, ये काफ़ी अच्छी बातें हैं। और राइडिंग आप देखिए बिंदास चल रही है अपनी, और यहाँ पर जो है सॉइल फिलिंग का काम जो है अभी चल रहा है। और ये जो आप देख सकते हैं ये अभी कोई रास्ता नहीं है, हालाँकि अभी इस पर जो है ट्रैक को नहीं बिछाया गया है, उस जिस कारण से लोग जो है मतलब कि इस पर अभी आवाजाही कर रहे हैं। जब इस पर ट्रैक को बिछाया जाएगा तो ये रास्ता पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। और सामने आप देख सकते हैं ये जो है छड़ को जो है लंबा सा लगाया गया है, इसको थोड़ा सा ये जो है और ऊपर में क्या किया जाएगा कि सीमेंटेड को मतलब कि इस पर ढलैया करके एक बाउंड्री नुमा बनाया जाएगा, और उसके ऊपर से जो है फिर से जो है सॉइल फिलिंग का काम चलेगा, जिससे ये ऊँचा हो जाएगा। और जो आगे में जो आपको अभी हम पीछे बता रहे थे कि आगे एक सड़क है जिसको क्रॉस करा करके जो है जो इस रेलवे ट्रैक को जो है आगे की ओर ले जाना है, तो अभी मैं आपको वो सड़क भी दिखाने वाला हूँ। आप सामने देखिएगा तो आपको एक सड़क दिख रहा होगा, सामने आप देखिए, और उसके उस तरफ भी काम चल रहा है। और ये जो सड़क है इससे आप जो है निकल जाएंगे दानापुर रेलवे स्टेशन, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये जो आप सड़क दिख रहे हैं इससे आप निकल जाएंगे दानापुर रेलवे स्टेशन, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको एक और सड़क दिख रहा होगा, तो इससे भी आप निकल जाएंगे दानापुर रेलवे स्टेशन, और इसके आगे भी अभी काम चल रहा है इस रेलवे लाइन का। इससे पहले भैया हमने जो है दो नेवरा तनियावा का हमने आपको जो अपडेट दिया, लेकिन ये अपडेट इतना लंबा हो गया कि अभी देख सकते हैं अभी आगे भी अभी है, तो एक ब्लॉग में बस पॉसिबल नहीं है कि सब दिखा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नए ब्लॉग में। और ये जो राइडिंग हमने किया है हम और अमन पांडे ने, अमन जी आगे आगे जाना पॉसिबल है? अरे नहीं, मतलब एक माता अमन करे कि कतना लंबा है भाई, कतना लंबा है, खत्म में नहीं हो रहा है। तो चलिए दूसरे इसका दो इसका एक पार्ट और शुरू करेंगे जो कि यहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे और किसी नए ब्लॉग में, और अमन भाई को इनको छोड़ना भी है। तो जय हिंद।